जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। साथियों आज मैं आपको परसेंटेज का इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, कोई सा भी कितना सा भी बड़ा नंबर दिया हो आप उसको विद इन सेकेंड में उसका परसेंटेज निकाल के बताएंगे। चाहे किसी का 20%, 30%, 28%, 45%, कोई सा भी किसी भी नंबर का परसेंटेज आपको बताना हो। दोस्तों परसेंटेज का हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। जैसे आप यदि आप शॉपिंग मॉल में गए, आपने कोई शर्ट पसंद की और उस शर्ट में 40% का डिस्काउंट है और वो शर्ट आपकी 1400 की, तो आपको तुरंत वहां पर पता करना है कि शर्ट मुझे कितने की मिलेगी, क्योंकि ना तो वहां पर आपके पास पेन होता है ना कॉपी होती है, तो आपको वहां पर माइंड में कैलकुलेशन करना होता है। तो दोस्तों मैं ऐसे ऐसी ट्रिक आपको मैं सिखाने वाला हूँ जिससे आप माइंड में कैलकुलेशन करके तुरंत बता देंगे कि इसका 40% कितना होगा, 35% कितना होगा और आप तुरंत आंसर बता पाएंगे। जैसे दोस्तों आपसे किसी ने कह दिया मेरे 70% नंबर आए, आप दोस्तों आपको उसके नंबर पता करना है कि उसके कितने नंबर आए। तो दोस्तों आप में इन सभी जगह परसेंटेज का यूज होता है। तो दोस्तों आज हम लोग यही चीज सीखने वाले हैं, इतनी बेहतरीन ट्रिक सीखेंगे कि आप विद इन सेकेंड आंसर बताएंगे वो भी विदाउट पेन के। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक सीखते हैं। तो दोस्तों इसका बेसिक क्या कहता है कि हम लोग यहाँ पर 1400 लिखते थे और का मतलब होता था गुणा, 10% है और परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 करते थे। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो इसका 10% का मान दोस्तों आ गया 140। ये हम लोगों का हो गया बेसिक मैथ। अब दोस्तों चलिए मैं आपको इसकी एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूं। यदि आपको किसी भी नंबर का 10% का मान निकालना हो तो बस दोस्तों आपको एक काम करना होता है। जैसे मान लीजिए मुझे इस 1400 का 10% निकालना था, तो बस दोस्तों आपको ये काम करना होता है कि इसके एक अंक बाद आपको दशमलव लगा देना होता है। तो यहाँ पर हमने एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो ये दोस्तों कितना बन गया हम लोगों का 140। बस दोस्तों यही आपका सीधा सीधा 10% का मान हो गया। बस दोस्तों किसी भी नंबर का आपको 10% का मान निकालना हो तो आप एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, बस दोस्तों वही आपका 10% का मान हो जाएगा। बस आपको ये सब रामायण करने की जरूरत नहीं है, समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों चलिए मैं कह रहा हूं इसी का 1400 का आप मुझे 20% का मान निकाल के बताइए बिना पेन के विद इन सेकेंड। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये जो 20% है, ये 20% कैसे बना होगा, 10% प्लस 10% से मिलके बना होगा। और 10% का मान हमें 140 पता है, तो ये भी 10% है, तो ये भी 140, तो 20% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्टली 140 प्लस 140 280। अब दोस्तों इसको आप एक तरीके से और कर सकते थे कि यदि 10% का मान मुझे 140 पता है तो 20% का मान निकालना है, तो आप इसमें सीधा सीधा, आपको पता है कि 10% प्लस 10% से मिलके बना है, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा 140 में 2 का गुणा भी करा सकते थे। अब दोस्तों मैं कह रहा हूं आप मुझे इसी नंबर का 30% निकाल के बताइए, इसी नंबर का आप मुझे 30% निकाल के बताइए वो भी बिना पेन के। आप दोस्तों यदि 30% की बात करें तो 30% कैसे बना होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो 30% होगा वो 10% प्लस 10% और प्लस 10% से मिलकर के बना होगा। और 10% की वैल्यू मुझे 140 पता है, तो ये तीन बार 10-10 मिलके 10-10% से मिलकर के 30% बना है। तो यदि मुझे 30% का मान बताना है तो इसमें मैं डायरेक्टली 3 का मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो यही 14-3 42, 30% का मान 420 हो जाएगा। ऐसे यदि दोस्तों मैं कहूं 60% का मान बताओ, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, आप सीधा सीधा 140 में यदि 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 14×6=84, 840, ये आपका 60% का मान हो जाएगा। अब दोस्तों आप किसी भी नंबर का परसेंटेज बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, एक अंक बाद आप दशमलव लगा देंगे तो वही आपका 10% का मान हो जाएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर ये तो 10, 20, 30, 50, 60% का हम लोग मान आसानी से बता देंगे इस मेथड से, लेकिन कभी यदि हमसे पूछ ले कि 15% का मान बताइए, 15% का मान बताइए, 25% का मान बताइए, तो इनका हम लोग कैसे बताएंगे, 35% का बताइए, 45% का बताइए। तो दोस्तों इसका मैं आपको बिल्कुल एक आसान सा तरीका बताने जा रहा हूं, ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा, बस आपकी सारी चीजें परसेंटेज से रिलेटेड सारी चीजें आपकी इसी वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। तो फिर से दोस्तों वही एग्जांपल लेते हैं, 1400 का 15% निकालते हैं, 1400 का 15% निकालते हैं। तो दोस्तों जो बेसिक मेथड ये कहता है कि 1400 लिखा, का मतलब होता है गुणा, 15 लिखा, परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100 कर दिया, ये 00 से 00 कैंसिल हुए, तो यहां पर दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 15 चौको 60 है
अब 15 6 21 दोस्तों 10 आ जाएगा। ये दोस्तों आ गया आपका 15% का मान। ये तो हम लोगों का बेसिक मेथड हो गया। लेकिन दोस्तों इसके पहले आप ये यहां से मुझे बताइए, ये जो 15% है ये आपका कैसे कैसे बना होगा? तो दोस्तों आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जो 15% है ये 10% और प्लस 5% से मिलकर के बना होगा। ये इसमें किसी कोई समस्या नहीं होगी। आप दोस्तों अभी अभी मैंने आपको बताया कि यदि मुझे किसी भी नंबर का 10% का मान निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, बस एक अंक बाद दशमलव लगा दूंगा, वही मेरा 10% का मान हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों 10% का मान आपका कितना आ गया, 140। तो यहां पर दोस्तों मैंने लिख दिया 10% का मान 140। अब दोस्तों यहां पर आप ये बताइए, ये 10% है, 10% का ये लिखा है आधा, 10% का ये आधा ही तो लिखा है 5, इतनी बात तो समझ गए। तो दोस्तों यदि ये आधा लिखा है तो ये 140 भी आधा हो जाएगा, तो यानी 5% का मान आपका कितना आ जाएगा, 70। दोस्तों 10% का आधा कितना होता है, 5%, तो 140 का आधा कितना होगा, 70। तो आपकी 5% की वैल्यू आ गई 70। बस दोस्तों आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो यही 15% का मान आ गया आपका 210। बस दोस्तों इतना ही आसान तरीका है, बस आपको कुछ पेन की आवश्यकता नहीं है। आपसे किसी ने पूछा कि 1400 का मुझे 15% बताओ, तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात हिट करेगी कि 1400 में मैंने एक अंक बाद दशमलव लगा दिया तो मेरा बन गया 140, और 140 मेरा 10% का मान होता है, और मैं 10% का जब आधा कर दूंगा तो मेरा 5% का मान आ जाएगा, तो 5% का मान मेरा आ गया 70। 140 में मैंने 70 जोड़ दिया तो मेरा 210 पर 10 आंसर आ गया। बस दोस्तों आपको ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, ये तो सर 15% का हो गया, यदि मुझसे कहीं 25% का मान पूछा गया तो मैं कैसे निकालूंगा? दोस्तों उसको ही बता रहा हूं, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। चलिए दोस्तों 15% का यदि मान मुझे निकालना है, चलिए दोस्तों यदि मुझे 1400 का 25% का मान निकाल के बताना है तो हम 25% का मान निकाल करके देखते हैं। अब दोस्तों आप ये मुझे बताइए कि ये 25% कैसे कैसे बना होगा, तो आप 25% बता सकते हैं कि ये 20% और प्लस 5% से मिलकर के बना होगा। अब दोस्तों ये आपका 10% का मान है तो 5% का मान ये कितना हो जाएगा, 70। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये 10% का ये आधा लिखा है तो ये वैल्यू भी आधी हो जाती है। अब दोस्तों 20% का मान हमने पहले निकालना सीख लिया था कि यदि 10% का मान 140 है, 20% का निकालना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई सीधा सीधा करा देना है, तो ये 20% का मान कितना हो जाएगा, 280। अब बस दोस्तों 280 में आप 70 जोड़ दीजिए, यही आपका 350, 25% का मान हो गया। ऐसे दोस्तों यदि आपसे कोई पूछ ले कि 45% का मान निकाल के बताइए तो आप 45% का मान ये बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। दोस्तों आप ये बताइए ये जो 45% है ये कैसे कैसे बना होगा, तो आप कहेंगे सर 40% और प्लस 5% से मिलकर के बना होगा। 5% का मान दोस्तों हमें सीधा सीधा पता चल गया है कि कितना होगा, 70। और दोस्तों 10% का मान मुझे 140 पता है, यदि 40% का मान निकालना है तो सीधा सीधा इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 1400 को 56। तो ये 40% का मान 560 आ गया, उसमें 5% का मान जोड़ दीजिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 630। यही दोस्तों आपका 45% का मान हो गया। दोस्तों देखिए कितना आसान ट्रिक है, बस दोस्तों आपको थोड़ा सा सोचना है, आपको लेकिन पेन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। अब दोस्तों कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने 10% का मान निकालना बता दिया, 30 50% का मान निकालना बता दिया, 15 का बता दिया, 25 का बता दिया, 65 का बता दिया, 75 का, इन सभी का तो मान हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन हम लोग कभी ये 8% आ जाएगा या 12% आ जाए, कभी 18% आ जाए, कभी 62% आ जाए या कभी 78% आ जाए, इन सब का मान हम कैसे निकाल लेंगे, इसका भी तो सर हमें कॉन्सेप्ट बताइए। तो बस दोस्तों इंतजार करिए, मैं इसका भी आपको कॉन्सेप्ट ऐसा बताने जा रहा हूं कि बिना पेन के आप इनके भी सारे के परसेंटेज निकालेंगे। और आज के बाद कोई सा भी नंबर दिया हो आपको परसेंटेज में पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी इनका परसेंटेज निकालना सीखते हैं। लेकिन दोस्तों यदि हमें बिना पेन की इसको करना है कैसे करेंगे वो चीज हम लोग भी सीखते हैं। तो दोस्तों आप मुझे एक बात यहां से ये बताइए, ये जो दोस्तों आपका 12% है ये कैसे कैसे बना होगा? तो कहेंगे सर ये 12% जो है 10% और प्लस 2% से मिलके बना होगा। तो मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इसके पहले वाले मैंने वीडियो में आपको बताया कि यदि मुझे 1400 का 10% निकालना है तो मैं क्या करूंगा,
एक अंक बाद दशमलव लगा दूंगा, तो ये मेरा हो गया 10% का मान हो गया। अब दोस्तों यदि मैं कहा मुझे 1% का मान कैसे निकालेंगे, तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये जो नंबर लिखेंगे आप, आपने ये नंबर लिख दिया। अब दोस्तों 10% का मान निकालने के लिए आप एक अंक बाद दशमलव लगाते थे, तो 1% का मान निकालने के लिए आप 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। कितने अंक बाद दोस्तों? 2 अंक बाद। तो यही आपका 1% का मान हो जाएगा। अब दोस्तों आज के बाद हमेशा याद रखना है, कितना भी बड़ा नंबर दिया हो या कितना भी छोटा नंबर दिया हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपको इस बात से लेना देना है कि यदि मुझे किसी भी नंबर का 10% निकालना है तो मैं एक अंक बाद दशमलव लगाऊंगा, और यदि मुझे किसी भी नंबर का 1% का मान निकालना है तो मैं 2 अंक बाद दशमलव लगाऊंगा। बस आपको इन्हीं 2 बातों पर फोकस करना है, इसके अलावा आपको किसी भी बात पर कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों तो आपने 10% का मान सीधा सीधा निकाल लिया कि कितना आया दोस्तों, ये 140। तो दोस्तों यहां पर आपने 10% का मान लिख दिया सीधा सीधा 140। अब दोस्तों आप यहां से बताइए कि 1% का मान आपका 14 दिया है, तो यदि आपको 2% का मान निकालना है तो क्या आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा के आसानी से नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल बता लेंगे दोस्तों। 1% का मान 14 है तो 2% का मान 28 हो जाएगा। तो दोस्तों जब 10% में 2% जोड़ 2% का मान जोड़ देंगे तो यही आपका 12% का मान हो जाएगा, और 140 में 28 जोड़ा तो यही आपका 168 हो गया। दोस्तों देखिए कितना आसान तरीका है। अब दोस्तों यदि मान लो इसी में कोई आपसे पूछ लेता तो आपको पेन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, आपने तुरंत माइंड में सोचा 10% का मान 140, 1% का मान 14, और दोस्तों 12% का निकालना है तो ये कैसे बना होगा, 10% प्लस 2%, 10% का मान 140, 1% का मान 14, तो 2% का 28, तो 140 में आपने तुरंत माइंड में 28 जोड़ दिया तो 168 हो गया। अब दोस्तों इसके बाद आप मुझे बताइए 18% का मान बताइए। तो कहेंगे सर अब तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बना दिया, आप ये क्या हमसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा दोस्तों नहीं, आप एक बार मुझे और बताइए। तो दोस्तों देखिए इसको भी आप थोड़ा सा सोचिए, ये जो आपका 18% है, आप देखिए 18% को 2 तरीके से लिख सकते हैं। 18% को आप दोस्तों ये भी लिख सकते हैं क्योंकि 20% और माइनस का 2%, एक तो आप इसे ये लिख सकते हैं, और एक दोस्तों आप 18% को ये लिख सकते हैं 10% और प्लस 8%। अब देखिए दोस्तों 18% के लिखने के दोनों तरीके हैं, और बस दोस्तों आपको किससे आसान पड़ रहा है आप उस मेथड को हमेशा यूज करिएगा। अब दोस्तों ये बताइए 10% का मान मुझे पता है 140, तो 20% का मान मुझे निकालने में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तुरंत आप क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आपका 20% का मान हो गया 280। 1% का मान 14 है तो 2% का मान हो जाएगा 28। अब दोस्तों आप 280 में 28 घटा दीजिए तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, आप तुरंत फटाक से मुझे आंसर बताइए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 252। बस दोस्तों यही आपका 18% का माना गया। यदि दोस्तों आपको इस तरीके से नहीं करना तो 10% का मान आपको सीधा सीधा पता है 140, और दोस्तों 1% का मान आपको पता है 14, तो 8% का मान निकालने के लिए आप 14 में 8 का मल्टीप्लाई कराइए, तो 14 8 112, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर परसेंटेज नहीं होगा, हाँ तो 10% का मान आपका 140, 8% का मान निकालना है तो आप 14 में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 8 112, तो ये दोस्तों हो गया आपका 112। अब दोस्तों 140 में 112 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 252। तो बस दोस्तों आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, बस आपको करना है कैसे भी करिए। तो आप दोस्तों आई थिंक आप किसी भी नंबर का परसेंटेज आपको निकालने के लिए दे दिया जाए, आप विद इन सेकंड परसेंटेज निकाल के बता सकते हैं। मैंने आपको जितने भी 10 के मल्टीपल होते हैं उनका मैंने परसेंटेज आपको निकालना बता दिया, 5 15 25 45 55 का मैंने परसेंटेज निकालना बता दिया, या कोई अदर नंबर लिखा है 12 लिखा है, 15 लिखा है, 18 लिखा है, 28 लिखा है, 32 लिखा है, किसी भी नंबर का आपको परसेंटेज आप आसानी से बता सकते हैं, वो भी विदाउट पेन के। अब दोस्तों जैसे मैंने कह दिया कि आप मुझे 32% का मान निकाल के बताइए, तो अब क्या दोस्तों आपको पेन की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 32% जो है वो 30% प्लस 2% से मिलकर के बना होगा। आप 30% का मान आसानी से बता सकते हैं, 10% का मान 140 है तो 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 420 आ जाएगा, और 1% का मान आपको 14 पता है तो 2% का मान आप बता देंगे 28 आ जाएगा, 320 में 28 जोड़ दीजिए 348 हो जाएगा, बस आंसर आपको बता दिए।
कि 32% का मान सीधा सीधा 348 हो जाएगा। बस दोस्तों आपको पेन की आवश्यकता ही नहीं है, यदि आपने जो मैंने आपको अभी मेथड बताया यदि आप उस मेथड से करेंगे तो आपको कोई भी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और ऐसे ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए और ला सकूं। और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए। आप जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही मैं बेहतरीन बेहतरीन आपके लिए कॉन्सेप्ट लाऊंगा, और दोस्तों आपको कैलकुलेशन इतनी फास्ट कर दूंगा कि आप हर एक चीज बिना पेन के करेंगे। अब दोस्तों जो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा उसमें आपको घटाने का तरीका बताऊंगा कि आप बिना पेन के किसी भी नंबर को कैसे घटाएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। जय हिंद।